हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर विद लव। आज मैं मेथी मटर मलाई का पराठा बनाने जा रही हूँ। मुट्ठी भर के इतना मेथी ले लिया है और एक 3 से 4 टेबल स्पून है जो मैंने मटर ले लिया, हरी मटर, और 1 टेबल स्पून मैंने दूध की मलाई ले लिया है। मैंने ये मटर को क्रश कर लिया मिक्सी जार में डाल के, और जो मेथी थी ना, इसको मेथी को मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। इसी में 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ। आप चाहिए तो रिफाइंड ऑयल डाल सकते हो, बटर डाल सकते हो। मैं 1/2 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून अजवाइन भी डाल रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप क्या डालना चाहते हैं, क्या स्किप करना चाहते हैं। मैंने थोड़ा सा अदरक ले लिया है और 1/2 मैंने मिर्ची ली, क्योंकि मेथी भी थोड़ी कड़वी होती है ना। अदरक को थोड़ा सा मैं लाल होने देती हूँ। इसी में जो मैंने ये मटर को क्रश कर लिया है ना, इसको डाल देती हूँ। देखिए तो इसमें कुछ दाने खड़े भी हैं और क्रश्ड भी हैं। इसको ऐसे चलाती रहूंगी ताकि जले भी ना। और अभी मैं इसमें नमक नहीं डाल सकती, अगर नमक अभी डाल दूंगी तो मटर तो हमारा गल जाएगा अच्छे तरीके से। लेकिन जो मेथी डालूंगी, मेथी तो श्रिंक हो जाती है ना, तो उसमें नमक का टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से अभी मैं नमक इसमें नहीं डाल रही हूँ। आप चाहिए तो पूरा ही एकदम क्रश कर सकते हो कि खड़ी मटर ना रहे। इसी स्टेज पे जो मैंने ये मेथी काट लिया है ना, मेथी डाल देती हूँ। मेथी बहुत जल्दी गल जाता है, आपको पता है ना, पत्तियाँ इसकी बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो मैंने काफ़ी बारीक काटा है तो ये फटाफट गल जाएगा। लेकिन अभी चलाऊंगी नहीं, और इसको ऐसे कवर कर देती हूँ। 2 मिनट तक स्लो गैस पे ऐसे पकने देती हूँ, तो मेथी भी हमारा जो है श्रिंक हो जाएगी। ये मेथी एक बार चेक कर लेती हूँ, एकदम सूख गई है। और ये जो मटर और मेथी मिक्स होके थोड़ा सा जो पानी छोड़ा हुआ हल्का सा, तो उसके वजह से मटर भी हमारा ये पक चुका है। ऐसे देखिए, दबा के देख रही हूँ ना, जो खड़े खड़े मटर हैं वो हमारे पक चुके हैं। तो अभी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। उसके अकॉर्डिंग अभी जो ये मेथी मटर है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं नमक डाल देती हूँ, क्योंकि नमक डालने से गल ही जाता है ना। इसीलिए तो नमक, देखिए हम प्याज में या टमाटर जब डालते हैं उसमें नमक डालते हैं, फटाफट हमारी सब्जी पक जाती है और गल जाती है। लेकिन मेथी या फिर कोई भी ग्रीन सब, जैसे ग्रीन साग हम बना रहे हैं ना, तो उसमें नमक पहले नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ग्रीन साग तो गल जाता है ना। इसी में मैं कुछ स्पाइसेस भी मिला लेती हूँ। लेकिन 1/4 टीस्पून में काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। 2 पिंच जितना हल्दी डाल रही हूँ। अभी इन मसालों को भी मिक्स कर लेती हूँ। और एकदम से ग्राइंड इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मटर थोड़ा खाने में लगना चाहिए ना, कि इसमें मटर भी डला हुआ है, तो बस इसीलिए मैंने एकदम बारीक ग्राइंड नहीं किया था। अभी ये सब हमारा पक चुका है, मटर भी हमने ऐसे प्रेस कर दिया है, तो 2-2 पीसेस में हो गए हैं। अभी इसको ऐसे साइड कर देती हूँ। घर के दूध से ही मलाई निकाली हूँ, ये मलाई इसी में डाल देती हूँ। डाल के भी मिक्स कर देते हैं। लेकिन ये मलाई के साथ थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा ना, तो खाने का जो पराठा बनाऊंगी उसका टेस्ट ही बहुत अलग होगा। तो इस तरीके से बस चलाते हुए ही हमें पका लेना है, ढक के पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे 2 से 3 मिनट इसको ऐसे चला लेती हूँ। ये मेथी मटर मलाई बनके तैयार हो गया है, तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसी पे इसको मुझे 5 मिनट ठंडा करना है। मेथी मटर मलाई बनाया ना, ये हमारा ठंडा हो चुका है। 1 कप गेहूँ का आटा ले लिया है। आटा बनाने से पहले मेरी एक ट्रिक है, जैसे हम रोटी बेलते हैं या फिर आटा गूंथते हैं, तो ये कपड़ा रख के इसके ऊपर हम आटा गूंदेंगे या रोटी बेलेंगे ना, तो ये ऐसे खिसकता रहता है। आप लोगों को भी पता होगा। इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, ये जो कपड़ा है ना, इसको मैं ऐसे खोल देती हूँ, ऐसा ये पानी ले लेती हूँ, इसी को ऐसे गीला कर देती हूँ और इसको मैं ऐसे नीचे की साइड कर देती हूँ। अब ये नहीं खिसके, जैसे देखिए मैं इसी पे आटा ऐसे रख के गूंदूंगी ना, तो ये बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं। ये टावल जो मैंने डाल रखा है, ये टावल बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। तो ये मेरी एक ट्रिक है, तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर फॉलो करिएगा। थोड़ा सा कसूरी मेथी लूंगी। कसूरी मेथी का टेस्ट अपना अलग ही एक टेस्ट होता है। इस तरीके से क्रश कर भी डाल दे रही हूँ। तो इसी आटे में मैं डाल के गूंदूंगी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। अगर आप लोग नहीं बनाते तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना। तो इस तरीके से बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी बनता है। बच्चे भी एकदम मांग मांग के खाएंगे, इतना टेस्टी ये बन के तैयार होता है। और जब मेथी मटर मलाई बनाया था, तो उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैंने सभी कुछ डाला, इसमें नमक भी डाला हुआ है। तो इसमें नमक या कोई भी स्पाइसेस ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं गूंद लेती हूँ। के पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है, घर में सबको बहुत पसंद आता है। और जैसे कि सर्दियां हैं, तो सर्दियों में ये जैसे हरी सब्जियां मिल रही हैं, मेथी भी मिल ही रहा है। तरीके से एक बार जरूर बना के अपने फैमिली के साथ शेयर करिए, देखिए मजा आएगा खा के। तो
तो जो बच्चे बड़े मेथी नहीं खाते हैं, मेथी के नाम से दूर भागते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से खाएंगे इसको। और बार बार फरमाइश आएगी कि यही बनाइए, यही पराठा हमें चाहिए। इसको गूंदती जा रही हूँ ना, ये चिकना होता जा रहा है। ऐसे कवर करके 2 मिनट में रेस्ट पे छोड़ूंगी। आइए चेक कर लेती हूँ। हाथ में हल्का सा घी लगाई हूँ, जैसे ठंडी है, हल्की ठंडी है यहाँ भी, तो ये घी हमारा जम गया, देख रहे हैं। तो हल्का सा ऐसे घी लगा के इसको मैं एक बार फिर से मसल देती हूँ, तो ये और सॉफ्ट हो जाए। जैसे मैंने तेल का यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं घी यूज़ कर रही हूँ। इस टाइम भी मैंने घी का यूज़ किया है। आप चाहिए तो रिफाइंड ऑयल जो भी यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से एकदम सॉफ्ट आटा बन के तैयार हुआ है। इतना बड़ा पेड़ा तोड़ लिया है, पेड़ा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और देख रहे हैं अभी मतलब 2 ही मिनट रखे हुए हुआ, लेकिन देखिए इधर का बिल्कुल भी इसमें कोई क्रैक नहीं आया है। इसका मतलब है कि आटा हमारा बहुत अच्छे तरीके से सेट हुआ है। सूखे आटे मैंने डस्ट कर लिया, आप चाहिए तो थोड़ा सा बढ़ा लो या फिर इसी पे ऐसे बेल लेते हैं। दोनों तरफ से घुमा घुमा के बेल लीजिए और जो साइड है साइड को पतला कर लीजिए, आप इसको बेल सकते हो। और देखिए इसकी मोटाई, देखिए पराठे की बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, जैसे मेथी का पराठा वगैरह बनता है वैसे ही ये भी है। इन्हें भी बनाने हैं ना, इसी तरीके से बेल लेती हूँ। और इसी पैन में मैं हल्का सा घी ऐसे ग्रीस कर दे रही हूँ। ये पराठा बना ली, इसके ऐसे डाल देते हैं। जैसे मेथी का पराठा हम सेकते हैं ना कि तवे पे या फ्राइंग पैन में डालते हैं, ऊपर देखिए ये ड्राई होने लगा है, तो बस इसी स्टेज पे मैं इसको पलट देती हूँ। ये देखिए दूसरी तरफ भी इसे हो जाएगा, फिर एक बार पलट दूंगी, फिर मैं इसमें घी या तेल जो भी लगाना है ना दूसरी बार पलटने के बाद लगाऊंगी। और जैसे कि इसमें मैंने मलाई यूज़ किया है ना, तो आप देख रहे होंगे तो इसमें थोड़ा ये ऑयली ऑयली सा लगता है, ये देखिए। तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा तेल घी नहीं भी खाना है ना, तो आप तेल घी इसमें अवॉइड कर सकते हो कि इसमें कुछ नहीं डालो, बस ऐसे सेक लो क्रिस्पी करारे जैसे आपको सेकना। ये देखिए दूसरी तरफ मैंने पलट दिया और देखिए ना ये इसमें स्पॉट्स ऐसे पड़ गए हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सा इसी में घी लगा देती हूँ, क्योंकि मेथी मटर मलाई है तो इसको अगर हम घी में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये देखिए मैंने घी डाल के इस तरीके से चारों तरफ फैला दिया और ये हमारे पराठे जो है ना फूल भी रहे हैं। तो मीडियम गैस पे, ये मीडियम टू स्लो गैस पे अगर सेकेंगे और ऐसे दबा दबा के सेकेंगे ना, तो ये क्रिस्पी करारे बहुत टेस्टी पराठा बन के तैयार होगा। ये देखिए ऐसे दबा दूंगी चारों तरफ से, दबाने से और ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाता है। बहुत सुंदर कलर आया है। तो ऐसे साइड साइड से ज़रूर हमें दबाना है, साइड साइड से दबाते हुए इसको मैं सेक लेती हूँ। एक बार इसको बना के देखेंगे ना, तो बना के टेस्ट करेंगे, खाएंगे, खिलाएंगे फैमिली वालों को, तो जो मेथी का पराठा हम बनाते हैं ना उसको भूल जाएंगे लोग, यही बनवा के खाएंगे। मेथी के पराठे के नाम से यही बोलेंगे कि हमें यही मेथी मटर मलाई पराठा खाना है। ये पक गया, इसको निकाल लेती हूँ, इसी तरीके से बाकी भी सेक लूँगी, दूसरा डाल देती हूँ। ऐसे दूसरा तीसरा जितने भी सेकने हैं आप ऐसे बनाते जाइए और सेकते जाइए और गर्मा गर्म खिलाते जाइए फैमिली मेम्बर्स को। मेरा ये मेथी मटर मलाई पराठा बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से आप लोग भी बनाइए। मैंने ये मटर के छिलके का जो अचार बनाया था उसके साथ सर्व किया है, साथ मैंने सॉस ले लिया है। आप चाहिए तो चटनी, दही या फिर चाय के साथ भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा और बड़े बच्चों को बेहद ही पसंद आएगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।